guys, my name is Rishabh and on today's video we will talk about the Almanac of Nawal Ravikant. Recently मैं अभी एक किताब को पढ़ रहा था and this is literally pure wisdom. Who is Nawal Ravikant? Nawal Ravikant एक entrepreneur और angel investor हैं, NRI हैं और उन्हें startup जगत का god कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? You will get to know after getting these points. तो चार ऐसी चीजें जो मैंने इस किताब से सीखी है, I wanted to share with you if you want to become successful in your life. अगर अभी आप college में हैं या फिर अगर आप कुछ business start करना चाहते हैं, then you must learn these things. Well, the first lesson is that all the benefits in life, whether in relationships, wealth or any other thing, come from compound interest. Compound interest का हमें पता ही है, Albert Einstein ने भी कहा था कि compound interest is the eighth wonder of the world. आप किसी भी चीज़ को देख लो, हर जगह compounding का जादू चलता है. Compound interest की सबसे अच्छी बात यह है कि शुरुआत में हमें कोई return नहीं मिलता, लेकिन धीरे धीरे exponential growth होती है. Similarly, अगर हम एक YouTube channel start कर रहे हैं या कोई startup start कर रहे हैं, तो शुरुआत में earning लगभग ना के बराबर होती है, लेकिन धीरे धीरे growth होती है. और जब growth होती है तो वो exponential होती है, लीनियर नहीं, एक्सपोनेंशियल होती है. हमें ऐसा लगता है कि लीनियर होगी हमारी ग्रोथ, लेकिन गॉड चाहता है कि हमारी जो ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियल हो. और ज़्यादातर लोग इस फेज़ में गिव अप कर देते हैं, यही कारण है कि वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते. जो व्यक्ति इस फेज़ में लगातार मेहनत करता रहता है, उसी को कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है, उसी को यहाँ पे बेनिफिट्स रीप करने को मिलते हैं. तो द फर्स्ट लेसन इज दैट ऑल द बेनिफिट्स इन लाइफ लाइन कंपाउंड इंटरेस्ट. आप कुछ भी ले लो, इवन रिलेशनशिप्स के जो बेनिफिट्स हैं, दे आर ऑल्सो लाइन इन कंपाउंड इंटरेस्ट. इफ यू टॉक अबाउट स्टॉक मार्केट, देन कंपाउंडिंग प्लेज इट्स मैजिक. एक ट्रेडर कभी भी अमीर नहीं बन सकता स्टॉक मार्केट में, बट अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कैन रीप द बेनिफिट ऑफ कंपाउंडिंग. इवन वॉरेन बफे गॉट 95% ऑफ हिज वेल्थ, 99% ऑफ हिज वेल्थ आफ्टर हिज 50th बर्थडे. द सेकंड लेसन इज दैट यू विल नॉट बिकम रिच बाय रेंटिंग आउट योर टाइम, you will become rich by building assets. ये rich dad poor dad में भी यही बात बताई गई है कि जिस दिन आप एक paycheck ले लेते हो, उसके बाद you cannot become rich because you are going into a comfort zone. चाहे आप एक software engineer हो या एक laborer हो, at the end of the day आप जितने ज़्यादा काम करोगे, जितना ज़्यादा time लगाओगे, उतनी ज़्यादा आपको pay मिलेगा, right? आपकी skill के ऊपर depend करता है आपको कम मिल रहा है या ज़्यादा, but at the end of the day जितना time आप काम करोगे उतना ही आपको pay मिलेगा. It is not like कि आप छुट्टियों पे हो तब भी आप कमा रहे हो. It is not like कि आप जो vacation लेके बैठे हो. It is not like कि आप सो रहे हो, then you are earning. On the other hand, what about assets? अगर आप एक asset build करते देखो, then you will be earning while you are sleeping. For example, this YouTube videos right now is an asset for me because I will get views even when I'm sleeping. Similarly, a stock investment is an asset. A cryptocurrency is an asset because it is growing, its value is growing when you are sleeping. So that's why the people who are running a company are actually earning money for you while you are sleeping. So investment is important. You can start investing through stock market. You can start investing through cryptocurrencies. You can start building businesses. You can start building small channels of incomes like YouTube, podcasting and all these. The third thing is play long-term games with long-term people. हमारी जो thinking वो ज़्यादा short-term होती है. अपने आप को ऐसे लोगों के साथ सराउंड कर लो जिनकी विजन बहुत लॉन्ग टर्म है, जो कि लॉन्ग टर्म में सोचते हैं कि हमें एट द एंड क्या करना है, कोई बड़ा गोल होना चाहिए. ऐसा नहीं कि हम इमीडिएट प्रॉफिट के लिए भाग रहे हैं, राइट? हमारी लाइफ में जितने भी डिसीजंस होते हैं, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया चलाना या फिर कोई भी छोटी मोटी चीज़ करना, कोई मिठाई खाना, दीज ऑल प्रोवाइड अस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बट डू नॉट लीड टू आर फुलफिलमेंट. उनसे हमारा कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं होता. ऑन द अदर हैंड, इफ यू आर सक्सेस माइंडेड, देन यू विल प्ले लॉन्ग टर्म गेम्स, स्पेशली विद लॉन्ग टर्म पीपल. इफ यू आर स्टार्टिंग अप, देन यू शुड डिसाइड योर फाउंडर्स, योर टीम वेरी वेरी केयरफुली, क्योंकि अगर उनकी विजन आपके साथ अलाइन नहीं करते, देन यू विल नॉट बी सक्सेसफुल मच, क्योंकि वो बॉटल नेक्स की तरह काम करते हैं. आप कितनी भी मेहनत लगा लो, वो अगर काम नहीं करेंगे तो वो बॉटल नेक बन जाएंगे, राइट? जिस तरह से अगर आप एक 2 लाख के पीसी में 2 GB की रैम लगा दोगे तो वो नहीं चलेगा. सिमिलरली, अगर आप कितनी भी मेहनत कर रहे हो, आपकी टीम में एक ऐसा बंदा है जो कि काम नहीं करना चाहता, देन योर स्टार्टअप विल नॉट सक्सीड. फोर्थ थिंग विच आई लर्नड इज दैट यू शुड टेक अकाउंटेबिलिटी एंड लेवरेज. अकाउंटेबिलिटी का मतलब है यू नीड टू टेक रिस्क, यू नीड टू टेक रिस्क व्हाइल यू आर स्टार्टिंग एनीथिंग. तुम चाहे यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लो या कोई बिजनेस स्टार्ट कर लो, रिस्क तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जो रिस्क लेता है उसी को रिवॉर्ड करता है वर्ल्ड, राइट? तो रिस्क आपको लेना पड़ेगा. यू नीड टू टेक ऑन अकाउंटेबिलिटी ऑन योर ओन नेम. ऐसा नहीं हो सकता कि आप रिस्क किसी और के ऊपर डाल दो और आप रिवॉर्ड के पीछे भागो. रिस्क आपको लेना पड़ेगा क्योंकि उसी के साथ रिवॉर्ड आता है. सेकंड थिंग इज लेवरेज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विच हैव जीरो कॉस्ट ऑफ रेप्लिकेशन. फॉर एग्जांपल अ यूट्यूब वीडियो, इट इज जीरो कॉस्ट ऑफ रेप्लिकेशन. एक बार यूट्यूब वीडियो बन गई, देन इट डजंट मैटर वेदर यू आर गेटिंग 100 व्यूज और 100 मिलियन व्यूज, योर एफर्ट वॉज सेम एंड द आउटपुट इज अनलिमिटेड. सिमिलरली अ पॉडकास्ट, सिमिलरली अ सॉफ्टवेयर. एक बार आपने कोडिंग कर दी, ऐप बना दी, उसके बाद लोग आएंगे, शॉपिंग करेंगे. एग्रीगेटर का आप काम कर रहे हो, चाहे 1 लाख ऑटो वाले आ जाए ओला के पास या फिर 1,000 आ जाए, उन्हें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है. सो दिस इज जीरो कॉस्ट ऑफ रेप्लिकेशन एंड दिस इज ओनली फाउंड इन कोड एंड मीडिया. या तो आपको कोडर बनना पड़ेगा या फिर आपको कॉन्टेंट क्रिएटर बनना पड़ेगा. कोड एंड कॉन्टेंट, दीज आर फ्यूचर. इन्हीं दो में सारे वेल्थ लाई करती है फ्यूचर की. एंड बिकॉज देयर इज जीरो
कॉस्ट ऑफ रेप्लिकेशन है। ऐसा नहीं है कि आपको लाख लोग लगाने पड़ेंगे लाख लोगों को यूट्यूब वीडियो दिखाने के लिए, आपको वीडियो एक ही बनानी है एंड यू कैन जस्ट डिस्ट्रीब्यूट इट टू मिलियंस ऑफ पीपल। सो टेक लेवरेज, टेक अकाउंटेबिलिटी एंड यू विल बिकम अनस्टॉपेबल। द फिफ्थ थिंग इज दैट यू शुड लर्न टू बिल्ड एंड यू शुड लर्न टू सेल। यू शुड डेफिनेटली ट्राई टू इन्फ्लुएंस अदर पर्सन। कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कैसे सेल कर सकते हैं? फॉर दैट यू कैन डेफिनेटली रीड दीज बुक्स लाइक इन्फ्लुएंस। लेकिन इनसे भी ज्यादा हम सीखते हैं खुद ट्राई करके। सो ट्राई सेलिंग समथिंग, ट्राई बिल्डिंग समथिंग एंड इफ यू कैन बिल्ड, अगर तुम कोई सॉफ्टवेयर बना भी सकते हो, उसे बेच भी सकते हो मार्केट में, मार्केट भी कर सकते हो, देन यू आर अनस्टॉपेबल। ज्यादातर लोग इलॉन मस्क नहीं होते, उन्हें फाउंडर्स की जरूरत पड़ती है, उन्हें को फाउंडर्स की जरूरत पड़ती है। सो यू नीड टू कीप इन माइंड कि आप जिन भी लोगों के अपनी टीम में हायर कर रहे हैं, उनका मिशन आपके साथ अलाइन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी सोच कुछ और उनकी सोच कुछ और, अदरवाइज दे विल बिकम बॉटलनेक्स। तो दैट्स इट फॉर गाइस, दीज वर द फाइव टेकअवेज फ्रॉम नवल रविकांत्स बुक द एल्मनैक ऑफ नवल रविकांत। एंड दिस इज एन अमेजिंग बुक, यू कैन रीड इट फॉर फ्री फ्रॉम navalmanak.com। यू कैन डाउनलोड योर कॉपी, अदरवाइज यू कैन लिसन टू द पॉडकास्ट ऑफ नवल रविकांत, दैट इज प्योर gold for free. I'll see you the next time. Till then, bye bye.